Assalamu alaikum students. Today our topic is the remaining lesson of Polo the King of Games, class 8, English. So let's start to read the next paragraph. From the steppes of Central Asia, the game eventually spread as far as Japan, China, Tibet and India. Wasti Asia ke ghas ke maidanon se, steppes means ghas ke maidan. Wasti Asia ke ghas ke maidanon se shuru hokar ye khel aakhir mein eventually spread as far as aakhir mein Japan, China, Tibet aur India तक फैल गया. Over the ages, the aristocratic game developed to promote equestrian and military skills and was ranked next to battle itself as the ultimate test of the prowess of princes and warriors. Over the ages, इस अरसे के दौरान the aristocratic is shahana khel, aristocratic game shahana khel developed to promote, isko farogh diya dekar promote kiya gaya equestrian and military skills dekar ghodswari aur fauji maharat and was ranked next to battle itself as the ultimate test. फौजी महारत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया गया. एंड वाज रैंकेड नेक्स्ट टू बैटल इटसेल्फ एज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ प्रिंसेस एंड वॉरियर्स. और इसे शहजादों और जंगजुओं की सलाहियत की परख के तौर पर जंग के बाद का दर्जा हासिल था. पैट्रोनाइज्ड बाय किंग्स एंड द हॉर्सेड कैवलरी, बादशाहों और घुड़सवार फौज की तरफ से सरपरस्ती हासिल होने वाले इस खेल को डारेस, इट वाज प्लेड बाय द लाइक्स ऑफ डारियस, चंगेज खान एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट. इस खेल को डारेस, चंगेज खान और सिकंदर आजम जैसे बादशाहों की तरफ से खेला जाता था. In India, polo was widely played in medieval times, as is evidenced from the fact that Sultan Qutbuddin Aibak, who built the Qutb Minar, died of a fatal accident while playing polo in Lahore. Hindustan mein polo wasti daur mein wasi paimane par khela jata tha. In bahut bade paimane par khela jata tha Hindustan ke andar. वस्ती दौर में, मेडिवल पीरियड में, एज इज एविडेंस फ्राम द फैक्ट दैट सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बात इस वाक्य से साबित होती है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने हु बिल्ट द कुतुब मीनार, जिसने कुतुब मीनार बनवाया, died of a fatal accident while playing polo in Lahore. Uski maut Lahore mein polo khelne ke dauran hui. Mughalon ke tahat, under the Mughal, polo was the national sport of India until the end of the 16th century. Is aid ke dauran polo ne badshahon, मुग़लों के तहत 16वीं सदी के आखिर तक, मुग़ल
जो थे अंडर द मुगल्स, मुगलों के तहत, जो मुगलों के अंडर जब हुकूमत थी, पोलो वाज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, पोलो हिंदुस्तान की कौमी खेल बन गया अनटिल द एंड ऑफ द 16th century, 16वीं सदी के ख़त्म होने तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान पोलो इन्जॉयड द पैट्रोनेज ऑफ किंग्स, पोलो को बादशाह और अमीर लोग की सरपरस्ती में मज़ा उठाया जाता था। इसका पैट्रोनेज ऑफ किंग्स एंड नोबल्स एंड वाज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर एंड इन द कोर्ट्स ऑफ द राजपूत किंग्स, और इस सल्तनत के सूबों में और राजपूत राजाओं के दरबारों में वसी पैमाने पर खेला जाता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड पोलो इन्जॉयड द पैट्रोनेज ऑफ किंग्स एंड नोबल्स एंड वाज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर एंड इन द कोर्ट्स ऑफ द राजपूत किंग्स, यानी इसी पीरियड के दौरान इसका मज़ा उठाया जाता था। अमीर लोगों, बादशाहों और अरकान दौलत जो नोबल लोग थे उनकी सरपरस्ती का मज़ा उठाया और इस सल्तनत के सूबों वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस, यानी इस सल्तनत के जो सूबे थे ऑफ द एम्पायर, सल्तनत के सूबे एंड इन द कोर्ट्स ऑफ द राजपूत, और राजपूत राजाओं के दरबारों में वसी पैमाने पर खेला जाता था। इन द अनसेटल्ड टाइम्स ऑफ द 18th century, पोलो ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द इंडियन सीन। 18वीं सदी के गैर मुस्तहकम दौर में, अनसेटल्ड यानी गैर मुस्तहकम टाइम्स दौर में ऑफ द 18th century, 18वीं सदी में पोलो ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द इंडियन सीन। पोलो हिंदुस्तान की फिज़ा से तकरीबन बहुत ही दूर हो गया था, यानी गायब हो गया था। हाउएवर इट सर्वाइव्ड इन ए फ्यू रिमोट माउंटेनियस इनक्लोज ऑफ द ग्रेट सब कॉन्टिनेंट। हाउएवर इट सर्वाइव्ड फिर भी ये अजीम इन ए फ्यू रिमोट माउंटेन्स इनक्लोज, बड़े सगीर के कुछ दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बचा रहा, नोटेबली इन गिलगित, लद्दाख एंड मणिपुर। लद्दाख, मणिपुर और गिलगित में ये बचा रहा। पोलो हैज़ बीन फॉर सेंचुरीज ए पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द रॉगेड माउंटेन वैलीज ऑफ द कराकोरम रेंजेस, पर्टिकुलरली इन द रिमोट एंड इनएक्सेसिबल हिमालयन रीजन्स ऑफ गिलगित, हंजा, स्कर्डू एंड खपालू इन बाल्टिस्तान एंड लद्दाख। पोलो सदियों से कराकोरम खित्ते के ऊंची नीची पहाड़ी वादियों में एक मकबूल खेल रहा है, ख़ासकर दूर दराज और नाकाबले रसाई हमालियाई खेतों जैसे गिलगित, हंजा, स्कर्दू और खपलू, जो कि बल्तिस्तान और लद्दाख में वाक़ा हैं। इन इलाकों में ये खेल खेला जाता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ स्टॉप हियर। We will discuss more about this topic in next class. Thanks.